पश्चिम बंगाल की लड़ाई, ममता बैनर्जी ने दिल्ली तक की चढ़ाई। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले सियासत असली रंग में दिखने लगी है। बंगाल में एनआईए ने छापा मारा, छापा मारने गई टीम पर हमले को लेकर टीएमसी घिरी तो ममता बैनर्जी की पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में हंगामा खड़ा कर दिया। यही नहीं, बंगाल में वोटिंग से पहले फिर हिंदू मुस्लिम और दंगों की साजिश की बात होने लगी है। बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक आई, ये तस्वीरें देखिए। ये दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पर हंगामे की तस्वीरें हैं। टीएमसी के नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर धरना देने पहुंच गए। इनमें डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, डोला सेन समेत कई नेता और सांसद शामिल थे। इनकी मांग है कि ईडी, एनआईए और सीबीआई के जरिए केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। चुनाव आयोग से इन्होंने कई मांगे कर डाली, जैसे अभी आचार संहिता लागू है इसलिए चुनाव आयोग दखल दे और चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड तय किया जाए। हंगामा बढ़ते देख दिल्ली पुलिस ने टीएमसी के नेताओं को हिरासत में लिया तो जमकर धक्का मुक्की हुई। जिस तरह से हमें यहाँ से उठवा रहे हैं, जिस तरह से हमें यहाँ से ले जा रहे हैं, ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र के दिल्ली पुलिस ने मुझे धक्का दिया, मुझे गिराया गया, बालों पे घसीट के ले जा रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को चुनावों में बीजेपी और मोदी से संघर्ष करने का पुराना अनुभव है। 2022 के बंगाल विधानसभा चुनाव में दीदी की टीम इसकी रिहर्सल देख चुकी है, जब मोदी शाह और पूरी केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में मोर्चा खोल दिया था। ममता बनर्जी इस बार भी आक्रामक रणनीति से चुनावी मैदान में है। हम आपको बता रहे थे कि दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर हंगामे के बाद टीएमसी सांसदों और नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। टीएमसी ठहरी लड़ाकू पार्टी, पुलिस ने रात को उन्हें रिहा करने का प्लान बनाया तो ये नेता टस से मस न हुए। रात भर दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में ही बैठे रहे, इनकलाबी गीत गाते रहे और मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते रहे। सुबह उनका साथ देने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी पहुंच गए। 144 भी नहीं तोड़ा, क्या करेंगे ये मोदी अमित शाह, हाय हाय, क्यों ले जाएंगे बताइए। हमारे साथ जारी है, संभालिए, हमारे साथ जारी है, साथ जारी है, पैर में दम से साथ जारी है, हमारे साथ जारी है, रुक के जाइए। अरे अभी तो 144 नहीं है, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, हमारे पैर में सांस जारी है, रुक जाइए, हमारे पैर में सांस जारी है, रुक जाइए, हमारे पैर में सांस जारी है। ये एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ये सब, ये तो तानाशाही, 100% तानाशाही, बट वी आर फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस, वी विल फाइट दिस। चुनावी राजनीति में सभी नेताओं का पूरा फोकस ही असली मुद्दे से अटेंशन डाइवर्ट करने का होता है। मुद्दा बंगाल में एनआईए की छापेमारी का था, जिसमें एनआईए की टीम पर हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। दरअसल शनिवार 6 अप्रैल को पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में एनआईए की टीम गई थी। एनआईए का मकसद 2022 में हुए विस्फोट की जाँच करने का था, लेकिन जब टीम वहाँ पहुंची तो उस पर हमला किया गया। इसमें टीम के एक सदस्य को चोट भी लगी थी और एक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और उनकी पार्टी सवालों के घेरे में है। प्रधानमंत्री मोदी रैली करने जलपाईगुड़ी पहुंचे तो उन्होंने खुद एनआईए की टीम पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। साथियों, टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को
कुचलने वाली पार्टी है। जलपाईगुड़ी में मेगा रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सिंडिकेट राज कायम है और पार्टी केवल अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने में दिलचस्पी रखती है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले पर भी ममता सरकार को घेरा और कहा कि टीएमसी सरकार बंगाल में लूटपाट और आतंक की खुली छूट चाहती है। टीएमसी अपने जबरन वसूली करने वाले और भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए यहां आने पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम पर हमले की साजिश रचती है। उन्होंने कहा कि टीएमसी देश के कानून और संविधान की अवहेलना कर रही है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है, लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। आप मुझे बताइए, क्या संदेश खाली के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए? ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर प्रधानमंत्री के आरोपों में इसलिए भी दम है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसे हमलों का इतिहास रहा है। इसी साल 5 जनवरी को बंगाल में ईडी की टीम पर भी हमला हुआ था। 5 जनवरी को ईडी की एक टीम उत्तरी 24 परगना जिले के संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर की तलाशी के लिए गई थी। उसी दौरान भीड़ ने टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद टीएमसी ने शाहजहां शेख को निलंबित किया था। ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिससे पता चलता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को बंगाल में काम करने में दिक्कत होती है, उन पर हमले किए जाते हैं। ये जिस तरीके से बुआ भतीजा ने एनआईए को अटैक कर रहा है, ये नया बात नहीं है। पिछले 3 साल से सीबीआई ईडी के ऊपर ये लोग हमला कर रहा है। 21 में जब अरेस्ट हुआ था कुछ लीडर लोग, तब ममता बनर्जी ने खुद निजाम पैलेस में धरना प्रदर्शन किया। राजीव कुमार का घर में जब रेड हुआ था, उन्होंने धर्मतला में धरना प्रदर्शन किया। इसका आदत ही है, जो बाद आज प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया ना धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी में, ये भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने के लिए सेंट्रल एजेंसी को रोक रहा है, सेंट्रल एजेंसी को डरा रहा है। और एनआईए हमारी देश हित में काम करता है। देश के अंदर देश के बाहर जो ताकत देश विरोधी काम कर रहा है, वो पीएफआई हो सकता है, सिमी हो सकता है, हिजबुल मुजाहिदीन हो सकता है, उसका खिलाफ सिमी हो सकता है, उसका खिलाफ काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देश का पार्लियामेंट एनआईए को दिया है। एनआईए को अटैक करना, देश को संविधान को अटैक करना और हायर जुडिशियरी को अटैक करना, ये बात एक ही है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेता तथ्यों के आधार पर ममता बनर्जी और टीएमसी को घेर रहे हैं, जबकि टीएमसी के नेता धरना प्रदर्शन के जरिए बीजेपी सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसीज के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं। ममता बनर्जी ने पार्टी के बड़े नेताओं को धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली भेज दिया, तो कोलकाता में उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी मोर्चा संभाले हुए हैं। डेमोक्रेसी हैज बीन मजल्ड किल्ड इन ब्रॉड डेलाइट इज फॉर एवरीवन टू सी। दिस इज बीजेपी'स न्यू इंडिया। 10 member from the Trinamool delegation, including 5 member of parliaments, went to submit a memorandum and a representation on how the central agencies are being used and are being paying puppetry to their masters in Delhi and working on BJP's behest at a time when the elections are taking place and at a time when the MCC is in place, at a time when the MCC is in effect, and those member of parliaments were dragged, pushed, shoved, mercilessly manhandled and dragged and pulled by their hair and taken into custody. पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच धरना प्रदर्शन और एक दूसरे के अलावा जिस तरह तलवारें खिंची हुई हैं, उससे चुनाव आयोग की चिंता और बढ़ गई है। नवरात्रि शुरू होने के एक दिन पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव में दंगा कराने की साजिश रचने का बड़ा और गंभीर आरोप जड़ दिया है।
ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की रैली में कहा, 17 अप्रैल को रामनवमी है और 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है। ममता बनर्जी के मुताबिक उन्हें आशंका है कि बीजेपी रामनवमी पर दंगे की साजिश रच रही है। ममता ने लोगों से अपील की कि आप लोग रैली का आयोजन करें, लेकिन किसी भी तरह के दंगे में शामिल ना हो। ये आशंका चिंता की बात इसलिए है क्योंकि पिछले साल रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक झड़पें हुई थी। ममता बनर्जी राजनेता हैं, वो बीजेपी पर दंगे की साजिश का आरोप लगा रही हैं, जबकि पिछले साल की रामनवमी हिंसा की जांच को लेकर एनआईए ने कोलकाता हाईकोर्ट से शिकायत की थी कि सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। बीजेपी नेता इस मामले में ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले रहे हैं। ए हर साल रामनवमी का पहले गुमराह करने का काम और पोलराइजेशन करने का काम ममता बनर्जी खुद करती है। ये बहुत खराब इंसिडेंट है। दूसरा, समुदाय का जुलूस में ममता बनर्जी साइलेंट रहती है, इसलिए कुछ नहीं होता है। और जब सनातनी का त्योहार आता है, ममता बनर्जी ने खुद पिछले साल ममता बनर्जी ने खुद आग लगाई, इसलिए डालखोला, शिवपुर, हावड़ा और रिसड़ा में इतना राम भक्त के ऊपर अत्याचार हुआ। बंगाल के सियासी हालात लगातार तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने की योजना बनाई है। लोकतंत्र में सियासी असहमतियां चलती रहती हैं, लेकिन बंगाल में सत्ता के लिए जिस तरह का संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर पूरे देश की चिंता बढ़ रही है। बंगाल की सियासी हलचल पर हम आपको आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।